हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हो फुल ऑफ फन। तो गाइस, आज मैं गाइस आप लोगों को बताने वाला हूँ कि गाइस आप गाइस यूट्यूब स्टूडियो को गाइस वाइट बैकग्राउंड से गाइस डार्क बैकग्राउंड में कैसे कर सकते हो। गाइस यूट्यूब ने भी अपना मन बना लिया कि वो भी यूट्यूब स्टूडियो को गाइस डार्क मोड में अपीयर कर देंगे। अगर गाइस आप गाइस अपना गाइस फ़ोन को गाइस डार्क मोड में कर लेते फिर भी गाइस आपका यूट्यूब स्टूडियो डार्क मोड में नहीं होता है। गाइस वही है, लेकिन गाइस अब यूट्यूब ने भी मन बना लिया अभी एक महीने पहले, और गाइस उन्होंने रिलीज़ एक महीने पहले किया था। लेकिन गाइस मैंने गाइस आज वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि गाइस मुझे पता था, लेकिन अभी गाइस मेरे पास बहुत सारा टॉपिक्स था वीडियो बनाने के लिए। मैं सोचा था जब सारा टॉपिक्स ख़त्म हो जाएगा फिर गाइस एकदम लास्ट में ये वाला बनाऊँगा, इसलिए गाइस और गाइस मुझे एक महीना निकल गया। गाइस एक महीना पहले गाइस ये अपडेट आया था, और गाइस आप गाइस अपने यूट्यूब स्टूडियो को गाइस डार्क बैकग्राउंड में भी गाइस कर सकते हैं। गाइस इसके लिए गाइस सबसे पहले तो गाइस आपको अपना यूट्यूब स्टूडियो खोल लेना पड़ेगा। अब गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, आप देख सकते हैं गाइस मैंने एरो किया है प्रोफाइल का फ़ोटो में, उधर चले जाना है। फिर गाइस आपको एकदम फर्स्ट ऑप्शन सेटिंग्स मिलेगा, फिर चले जाइए। फिर गाइस पहले आपका ऑप्शन आता था सिर्फ नोटिफिकेशंस और नोटिफाई मी विया। इन गाइस अब गाइस अपीयर्स डार्क थीम रिड्यूस ग्लेयर एंड इम्प्रूवमेंट नाइट व्यूइंग भी आ चुका है। अब गाइस क्या करना है, इसको सीधा सीधी ऑन कर देना है। अब गाइस जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं कि गाइस ये डार्क हो चुके हैं। तो चलिए गाइस आज का वीडियो इतना ही था। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। समझ में नहीं आएगा तो गाइस नीचे कमेंट कर दीजिएगा। गाइस प्लीज़ इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो गाइस जय हिंद।